Hi guys, wish you a very very good morning. This is me Ayushi Joshi and you are watching me on the channel of IRS. So here it is 5th of August 2020 and we are going to take today's The Hindu news analysis. Okay, so जैसा कि आप सभी को बताया हम डेली बेसिस पे कुछ ऐसा लेते हैं जो कि मोटिवेशनल होता है, हमें बूस्टअप करता है स्टडीज़ के लिए. तो उसी की सीरीज़ में आज हमें कोई मोटिवेशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अब प्रत्यक्ष जो है उदाहरण हमारे सामने प्रस्तुत हैं. तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदीप सिंह के, जिन्होंने टॉप किया है यूपीएससी में. IRS ऑफिसर हैं हरियाणा के, इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर रह चुके हैं हरियाणा के. 29 इयर्स के जो प्रदीप सिंह हैं उन्होंने यूपीएससी 2019 को टॉप किया है और ये उनका 4th अटेम्प्ट था. उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 829 कैंडिडेट्स जो हैं इस बार सेलेक्ट हुए हैं अलग अलग कैडर्स में, जिसमें से 66 जो है रेकमेंडेड, पर्सनली रेकमेंडेड जो है सेलेक्टेड पीपल थे. एंड द रिजल्ट्स ऑफ 11 जो है कैंडिडेट्स अभी भी विथहेल्ड हैं. सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट. एंड इट वाज सेड बाय मिस्टर सिंह दैट इट वाज एक्सपेक्टेड फॉर मी, उनके लिए एक्सपेक्टेड था कि अनएक्सपेक्टेड फॉर मी बेसिकली. इनके लिए ये एक्सपेक्टेड ज़रूर था कि वो सेलेक्ट होंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो एग्ज़ाम में टॉप करेंगे. ओके, उनकी कोशिश थी और उन्हें उम्मीद थी कि हाँ आई विल बी सेलेक्टेड, बट उन्हें ये नहीं श्योरिटी थी कि वो एग्ज़ाम में टॉप करने वाले हैं. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ ऑल्सो अ मोटिवेशनल आर्टिकल जो कि है विशाखा का, जिसने कि यूपीएससी में 6th रैंक होल्ड की है. एंड दिल्ली के ASI की डॉटर हैं ये, जिन्होंने 3rd टाइम जो है उनका लक आजमाया है, 3rd टाइम उनका लक काम में आया है यहाँ पे. और दिल्ली पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर राजकुमार यादव की डॉटर हैं ये, स्कोर्ड 6th रैंक इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. And it is also a very great opportunity and it is a very great achievement for her because उनका कहना है कि जब मैं फर्स्ट अटैम्प्ट में फ़ेल हो गई थी तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा झटका था वो, और बहुत बड़ा मैं कह सकती हूँ मुझे पीछे धकेल देने वाला एक स्टेप था. बट उसके बाद में 3 साल की प्रिपरेशन के बाद मुझे समझ में आया कि इसके आपको अगर कुछ करना है तो उसको आपको उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी होती है, मतलब बहुत त्याग और बलिदान करने होते हैं, बहुत सैक्रिफाइसेस के बाद में फाइनली, बहुत डेडिकेशन के बाद फाइनली आपको ये स्टेज मिलती है. ओके, सो इट इज़ ऑल अबाउट इट. एंड द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अयोध्या अवेट्स मोदीज लॉन्च ऑफ राम टेम्पल कंस्ट्रक्शन. अयोध्या का जो है आज नींव रखी जाएगी, जैसा कि आप सभी को पता है बहुत हिस्टोरिकल मोमेंट रहेगा आज के लिए. आफ्टर अ लॉन्ग टाइम हम कह सकते हैं बहुत लंबे समय के बाद में ये चीज़ हुई है. 28 ईयर्स आफ्टर बाबरी मस्जिद वॉज डिमोलिश्ड बाय कर सेवकों द्वारा जो है वो बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने के 28 साल बाद में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने फाइनली फॉर्मली जो है वेडनेसडे को कंस्ट्रक्शन लॉन्च करेंगे उस मंदिर के स्थान पर पहुंचकर. और वहाँ पे जो है राम मंदिर जहाँ जन्म हुआ था राम जी का, वहाँ पे ये इसकी नींव रखी जाएगी मंदिर की. द सुप्रीम कोर्ट इन लास्ट नवंबर के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने परमिट किया था कि इस पर्टिकुलर प्लेस को जो है वहाँ राम टेम्पल जो है बिल्डअप करने की अनुमति दी गई थी. उसी के अलावा मस्जिद के लिए एक अलग से भूमि भी दी गई थी. एट द मार्केट सेतु लाल अग्रहरी डिडेंट नीड टू थिंक व्हेन आस्क्ड हु शुड गेट द क्रेडिट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टेम्पल. ये तो एक मार्केट में जो है सेतुलाल अग्रहरी, उनसे जब पूछा गया तो उनसे जो रिप्लाई आया बड़ा ही दिलचस्प था. उनका ये कहना है कि ये सब कुछ जो है मोदी जी की वजह से बना है, जब मोदी आए भैया तभी तो बना, मतलब मोदी आए हैं तभी तो बना है. और ये सारी चीज़ें जो है ये सभी का क्रेडिट जो है या श्रेय जो है वो दिया जा रहा है मोदी जी को. एंड डेफिनेटली ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी अच्छा वर्क जो है उन्होंने, काफ़ी अच्छा अनडिस्प्यूटेड, या हम कह सकते हैं कि हमारे जो भी चीफ जस्टिस की जो बेंच बैठी थी, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी जिन्होंने ये फैसला दिया, बहुत ही सुनियोजित ढंग से, बहुत प्रॉपर वे में इसका एक डिसीज़न उन्होंने हमें दिया. And along with this, Congress leaders back temple work. Okay, so various Congress leaders on Tuesday came out in the support of the construction of the Ram Temple in Ayodhya. Even Congress leaders are also supporting for this work. And the ceremony में प्रियंका गांधी वाड्रा भी जो है ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अंदर जो है वहाँ पे आई थिंक पॉसिबल है कि वेंसडे को उपस्थित हुई हैं या होंगी। एंड समवेयर हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस भी अब इसमें सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। बीजेपी तो मेन रोल में था ही जिसमें इसको जो है किया गया, राम मंदिर का कंस्ट्रक्शन को अनुमति दी गई और जो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए ये जो भूमि का बंटवारा और सब कुछ किया गया था, इस समय जो है बीजेपी कांग्रेस में थी, सेंट्रल में थी। तो बीजेपी सेंट्रल में थी और कांग्रेस भी लीडिंग सपोर्ट में नज़र आई है। तो समवेयर वी कैन से कि लोगों के अंदर काफ़ी जो है एकजुटता देखने को मिल रही है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में इसका एक बहुत ही अच्छा पर्सपेक्टिव हमें देखने को मिलेगा। यहीं बाबरी मस्जिद का भी जो है आज नींव रखी जाएगी, उसको इनिशिएट किया जाएगा, तो वो भी एक बहुत बड़ा उत्सव है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट। द नेक्स्ट इज ऑल अबाउट वीज़ा। कुछ दिन पहले ही हमने ये डिस्कस किया था कि जो है ट्रम्प ने H1B वीज़ा जो है उन पर रोक लगा दी है कि अभी जो है जो ये वीज़ाज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाए जाएंगे, मतलब अनुमति नहीं दी जाएगी जॉब्स के लिए स्पेशली। अब जो है ट्रम्प ने अगेन एक ऐसा स्टेप लिया है जो कहीं ना कहीं हिला देने वाला है, लोगों को इफ़ेक्ट करने वाला है। वो है H1B वीज़ा से ही रिलेटेड है और अब जो है इस पर रोक लगा दी है, बार कर दिया है H1B वीज़ा होल्डर्स को फेडरल जॉब्स के लिए। विल नॉट टॉलरेट फायरिंग ऑफ अमेरिकन्स फॉर चीप फॉरेन लेबर। सस्ती फॉरेन लेबर के लिए हम अमेरिकन्स जो है उनको फायर नहीं होने देंगे, उनको जो फायर किया जाता है जॉब से, ये सारी चीज़ें हम नहीं होने देंगे, क्योंकि सस्ती जो है लेबर को देखकर कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयर्स हैं वो उन लोगों को अपॉइंट कर लेते हैं जो सस्ते लेबर होते हैं, सस्ते में उनको अवेलेबल हो जाता है, उसके चलते अमेरिकन को जो है फायर कर दिया जाता है। तो ये चीज़ हम टॉलरेट नहीं करेंगे, ऐसा कहना है ट्रम्प का। और अगेन उन्होंने एक बार फिर से एक ऐसा स्टेप उठाया है जो कहीं ना कहीं दोनों देशों के संबंधों में कटुता उत्पन्न करने के लिए काफ़ी है। इवन कई सारे ऐसे हम कह सकते हैं पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर इन दोनों देशों के बीच में जो है US के थ्रू काफ़ी सारे ऐसे पॉइंट्स सामने लाए गए हैं जिसके कारण काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिले लास्ट फ्यू डेज़ में, है ना। So let's see what is going to be the next, and the next article is based on editorial and more of the same. Donald Trump is again resorting to hate troops about immigration stealing jobs. ये मैंने आपको भी बताया है, immigrants जो है मतलब जो बाहर रह रहे हैं, फॉरेन में रह रहे हैं, इंडियंस हैं या और भी कंट्रीज़ के जो लोग हैं, उन सभी के साथ में ट्रम्प के द्वारा कुछ पिछले दिनों जो भी स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, अभी हमने रिसेंटली अभी जस्ट डिस्कस किया है H1B वीज़ा होल्डर्स को जो बार किया गया है उसके बारे में फेडरल जॉब्स को लेकर, तो उसी पर बेस्ड ये आर्टिकल है कि किस तरीके से ऑलरेडी जहाँ पे वो लोग जो इमिग्रेंट्स हैं वो काफ़ी इफेक्टेड नज़र आ रहे हैं कोविड-19 के दौर में, उसके अंदर अमेरिकन प्रेसिडेंट द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट्स देना या इस तरह के स्टेप्स लेना कहीं ना कहीं इंडियंस के लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है और नेगेटिव जो है सिनेरियो क्रिएट कर रहा है, इवन नॉट फॉर इंडियंस, उन सभी के लिए जो कहीं ना कहीं इस तरह के जो एक्शंस है US के या डोनाल्ड ट्रम्प के उनसे इफेक्ट हो रहे हैं, उनके लिए एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है सिक्योरिटी मेजर्स को लेकर US के अंदर, है ना। सो लेट्स सी व्हाट इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट, बिकॉज जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं, H1B वीज़ा होल्डर्स हैं, उनको फेडरल जॉब से स्टॉप करना या और भी दूसरी जॉब से जो है उनको स्टॉप करना, बार करना, समवेयर ये एक जो है थोड़ा सा एरोगेंट स्टेप है जिसके कारण कहीं ना ऐसा ना हो कि US और अमेरिका की रिलेशनशिप में कटुता देखने को मिले, सॉरी US और इंडिया की रिलेशनशिप में कटुता, और इवन कई सारे देशों की, क्योंकि इस तरह के स्टेप्स कई सारे देशों को जो है हम कह सकते हैं जो है मेंटली डिस्टर्ब कर दिया करते हैं, बिकॉज इस तरह के स्टेप्स सिक्योरिटी को पॉइंट आउट करते हैं, उन लोगों की सिक्योरिटी को जो अपने देश को छोड़ के दूसरे देशों में रह रहे हैं और जो ऑलरेडी अपने देश से ज़्यादा उन देश के लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, उस देश की इकोनॉमी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ लैंग्वेज ऑफ यूनिटी। Language of unity, states must be allowed to follow their own language policy. मैं आपको बता देती हूँ काफ़ी इशू चल रहे हैं। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने ट्रिपल लैंग्वेजेस जो है 3 लैंग्वेज फार्मूला को उन्होंने जो है अवॉइड किया। उनका ये कहना है कि इसे रिजेक्ट कर रहे हैं हम लोग क्योंकि हम इसे फॉलो नहीं करेंगे, तमिलनाडु के लोगों का ऐसा कहना है। कि वो 3 लैंग्वेज पॉलिसी के फेवर में नहीं है। तो देखते हैं क्या इसका रिजल्ट निकलता है। इस आर्टिकल में क्या दिया गया है, स्टेट्स मस्ट बी अलाउड टू फॉलो देयर ओन लैंग्वेज पॉलिसी। स्टेट्स की ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि वो खुद अपनी लैंग्वेज पॉलिसीज़ को फॉलो करें, ऐसा एक सिनेरियो होना चाहिए। वही चीज़ जो है तमिलनाडु और अन्य जो सदन जो स्टेट्स हैं उनका ये कहना है कि हम 2 लैंग्वेज पॉलिसी को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, हम 3 लैंग्वेज पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बिकॉज अच्छा इसके पीछे बेस क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि साउथ सदन जितने भी स्टेट्स हैं, स्पेशली मैं बात करूं तमिलनाडु की, दो केरला की, वहाँ के लोग जो है हिंदी को एज अ लैंग्वेज एक्सेप्ट करने में बिलीव नहीं रखते हैं। दे डोंट वांट हिंदी टू बी अ लैंग्वेज और आई कैन से। उनका ये कहना है कि हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को लर्न करेंगे, हम अपनी रीजनल लैंग्वेजेस को यूज़ करेंगे इवन इन आवर ऑफिसेस, बट वी विल नॉट यूज़ हिंदी एट ऑल। एंड ऑफिशियली जो अगर मैं बात की जाए, प्रोफेशनली अगर बात की जाए, तो वी विल यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज बट वी डोंट वांट टू यूज़ हिंदी लैंग्वेज एट ऑल, एंड वी कांट एक्सेप्ट इट एज आवर कंपल्सरी लैंग्वेज। सो पहले भी ये काफ़ी बार ऐसे इश्यूज़ देखे गए हैं हिंदी लैंग्वेज को लेकर सदर्न स्टेट्स के अंदर। और अगेन फिर से एक बार जो ये 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है NEP के तहत, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो रिसेंटली लॉन्च की गई उसके तहत आई है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, उसको जो है उन्होंने अगेंस्ट किया, उसको जो है उसका अपोजिशन शो किया गया है या उसे रिजेक्ट कर दिया है। किसने? उन लोगों ने जो कि सदर्न स्टेट्स है, स्पेशली तमिलनाडु की बात की जा रही है। तमिलनाडु ने तो स्पष्ट रूप से मना कर दिया है कि हम लोग हिंदी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हिंदी विल नॉट बी आवर कंपल्सरी लैंग्वेज, वी विल यूज़ रीजनल एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मैटर है क्योंकि काफ़ी सारे इश्यूज़ ऑलरेडी लास्ट हमारी हिस्ट्री के अंदर बात की जाए तो काफ़ी लास्ट डिकेड्स के अंदर काफ़ी इशू ऑलरेडी देखने को मिले हैं हिंदी को लेकर सदर्न स्टेट्स में। और फिर से एक बार इस तरह का इशू क्रिएट होना NEP के तहत उम्मीद नहीं की जा रही थी, फिर भी हुआ है। तो समवेयर जो है अच्छा सदर्न स्टेट से ऑलरेडी उम्मीद थी कि वो इस तरह का कोई इशू क्रिएट करेंगे बिकॉज दे डोंट वांट टू गो थ्रू द हिंदी लैंग्वेज। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। ये आर्टिकल उसी पर बेस्ड है कि क्या कहाँ पे कितना वेटेज है हिंदी का, कौन से स्टेट्स हैं जो हिंदी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है हमें सदर्न स्टेट्स में काफ़ी इश्यूज़ हिंदी को लेकर देखने को मिल रहे थे, लेकिन फिर अगेन इस तरह का इशू क्रिएट होना जो है तमिलनाडु के अंदर ये शो करता है कि सदर्न स्टेट्स अभी भी इस पोजीशन में नहीं, सदर्न पीपल्स आर नॉट इन पोजीशन और नॉट इन मेंटल स्टेटस कि वो अभी हिंदी को इस एज अ कंपल्सरी लैंग्वेज एक्सेप्ट करें, है ना। तो ये जो है ये बताया गया है इसके अंदर, वो हिंदी को अटेम्प्ट करने की कोशिश बताई गई है इस NEP में सदर्न पीपल द्वारा। उनका ये कहना है कि हिंदी लैंग्वेज को है जो है महत्वता देने की कोशिश की गई है, तो उसी के बेसिस पर उन्होंने इसे अपोज किया है। एंड दे सेड दैट वी आर नॉट गोइंग टू टेक इट। ओके, एंड द पैट्रोनेज ऑफ द 102-year-old दक्षिणा भारत हिंदी प्रचार सभा बेस्ड इन चेन्नई ऑल्सो प्रूव्स दिस एंड इज़ in the Sabha's centenary years. Chennai also proves this is the in the Sabha's okay Tamil Nadu accounted for 73% of active Hindi pracharaks okay teachers इन साउथ इंडिया। 73% जो है ऑलरेडी एक्टिव हिंदी टीचर्स वहाँ पे साउथ इंडिया में हैं। Out of necessity, many in the states have picked up controversial Hindi to engage with the migrant population. काफ़ी देखिए वहाँ जो लेबर्स हैं वो बाहर से आई हुई हैं, अगर माइग्रेंट्स हैं काफ़ी सारे, ये वहाँ के जो लोग हैं वो माइग्रेंट्स को कॉपरेट करने के लिए जो हिंदी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है कि वहाँ हिंदी लैंग्वेज का कोई अस्तित्व ही नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ की एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो वहाँ के लोकल बहुत जो हम कह सकते हैं एशियन कल्चर को फॉलो करते हैं। उनका ये कहना है कि हमारी लैंग्वेज जो है तमिल लैंग्वेज ये वन ऑफ द मोस्ट हम कह सकते हैं एंशिएंट लैंग्वेज है, सबसे पुरानी लैंग्वेज है ये, और हम इस लैंग्वेज को फॉलो करेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी हिंदी और अदर लैंग्वेज बिकॉज दे आर हैविंग इनसिक्योरिटी कि कहीं हिंदी लैंग्वेज जो कि ऑल ओवर इन इंडिया काफ़ी स्टेट्स में स्प्रेड हो रखी है ऑलरेडी, तो वो लैंग्वेज कहीं उनकी रीजनल लैंग्वेजेस को ओवरकम ना कर ले। तो ये एक जो डर है उसके बेसिस पर अगर बात करें तो लैंग्वेज को लेकर के काफ़ी इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें ज़रूरी है कि हम लैंग्वेज को लेकर के और यूनिटी पर वर्क करें, लैंग्वेज ऑफ यूनिटी पर वर्क करें और उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करें व्हाट इज़ गोइंग ऑन रिगार्डिंग द लैंग्वेजेस. ओके, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ लेसन्स फ्रॉम मीडिएटिंग अयोध्या. अयोध्या मीडिएटिंग की बात की गई है, उसको मीडिएट करने से जो लेसन सामने आए हैं, लेसन्स क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं अयोध्या का सुरूशी लेकर अब तक जो भी डिस्प्यूट चला है उससे क्या सीखा जा सकता है और क्या जो है क्या क्या डिस्प्यूट्स जो है पब्लिक डिस्प्यूट सामने आए हैं, क्या ऑफिशियल डिस्प्यूट सामने आए, पॉलिटिकल डिस्प्यूट सामने आए हैं, उन सभी से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं. उस सभी के बारे में यहाँ पे बात किया गया है कि मीडिएटिंग अयोध्या से रिलेटेड क्या लेसन्स हैं जो सीखने की ज़रूरत है और क्या लेसन्स हमें देखने को मिलते हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस किया गया है. ठीक है, द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ रीकिंडल कश्मीर्स लॉस्ट एंड रियल कनेक्ट. कश्मीर से रिलेटेड जो है कॉन्फ्लिक्ट ये सॉरी मैटर यहाँ पे दिया गया, आर्टिकल यहाँ दिया गया है. एज न्यू दिल्ली कंटिन्यूज टू रिफ्लेक्ट ऑन स्ट्रैटेजीज टू विन हार्ट्स एंड माइंड्स इन कश्मीर, इट वुड डू वेल टू रिविजिट द पास्ट. अगर कश्मीर जो कि पूरी तरीके से अपने अस्तित्व को खो चुका है, ऐसा कश्मीरीज़ का मानना है, तो उसके तहत अगर जो है न्यू दिल्ली द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे हम कह सकते हैं उनके द्वारा एफर्ट्स इम्पोज किए जाते हैं, फिर से ध्यान केंद्रित किया जाता है कश्मीर की तरफ, तो डेफिनेटली रियल कनेक्टिविटी बनेगी. रियल कनेक्शन वही होगा जब आप कश्मीर को अपने अंदर जोड़ने की बात कहेंगे. केवल जो है आर्टिकल्स अबॉलिश कर देने से या उसे एक अनभिज्ञ जिसे कहते हैं या हम कहते हैं कि मतलब अनब्रेकेबल पार्ट बता देने से वो पार्ट हमारा नहीं हो जाता. हमें उसके लिए डेडिकेशन शो करना होता है और हमें 100% ये बताना होता है कि वो हमारा पार्ट है. कश्मीर जो कि पूरी तरीके से अपने आप को जो है हम कह सकते हैं खो चुका है, या हम कह सकते हैं कि उसकी अपने आप में जो महत्वता थी उसने वो खो दी है, अब वो किसी और के हाथों में जा चुकी है. उसके चलते उसे कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होने की ज़रूरत है, बनने की ज़रूरत है. इवन उसे ज़रूरत है कि लोग जो या सरकार जो है वो उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करे और उसको अपना स्पेशल अटेंशन दे, जिससे कि रियल कनेक्टिविटी बन सके, हम ये शो कर सकें कि हाँ कश्मीर हमारा ही पार्ट है. तो ये सारी चीज़ों के बारे में, इसके लिए हमें किस किस अभी आज तक की जो हिस्ट्री रही है उसको यहाँ डिस्कस किया गया है और किस किस तरीके से हम इस तरह का स्टेप ले सकते हैं जिससे कि कश्मीर को रियली कनेक्ट किया जा सके इंडिया से, और कैसे उसे ये शो कर किया जा सके, वहाँ के लोगों में विश्वास जगाया जा सके कि वो इंडिया का ही एक पार्ट है, और कैसे अपने खोए हुए अस्तित्व को से लौटाया जा सके. ये सारी चीज़ें इस आर्टिकल में दी गई है. होप यू विल लाइक इट. एंड आज तक के सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आज के इम्पॉर्टेंट जो भी टॉपिक्स बनते हैं वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं. इसके अलावा कोई टॉपिक है, कोई इशू है तो आप उसे शेयर कर सकते हैं. और लास्ट फ्यू डेज से जो है थोड़ी इरेगुलरिटी बनी हुई है, बट कोशिश करूँगी मैं कि जल्दी से जल्दी आपका ये प्रॉब्लम जो है सॉर्ट आउट हो जाए, और मैक्सिमम लेवल पर हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी अर्ली इन द मॉर्निंग आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस प्रोवाइड करवाया जा सके. ठीक है, so thanks for being with me, thanks for watching, keep learning, bye bye, take care, have a great time ahead.